हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस वासियों ने मोदी योगी का पुतला फूंक मंत्री के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों के यहाँ शोक व्यक्त करने जा रही कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने को लेकर आक्रोशित कांग्रेस वासियों ने राजगुरु सर्कल पर जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा एवं पाली डिस्ट्रिक्ट मंडल फाउंडेशन सदस्य सुमेर सिंह मनवार के सानिध्य में मोदी व योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। कांग्रेस वासियों ने मारे गए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस घटना में शामिल मंत्री जी के बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व सजा दिलवाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन दिया। पूर्व प्रधान व जीप सदस्य मेवाड़ा ने बताया कि लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्र के बेटे ने बर्बरता पूर्वक गाड़ी चढ़ाते हुए उन्हें रौंद दिया जिसके कारण 4 किसानों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मोदी व योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। मोदी व योगी का पुतला जलाया गया व घटना में शामिल मंत्री के बेटे को सजा दिलवाने की मांग की गई। इस मौके पर नेपाल सिंह पावा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ललित परिहार, निवर्तमान जिला सचिव जाफर भाई सिलावट, पूर्व कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष जगदीश राज पुरोहित, हीरा महाराज, पार्षद चतरा राम मेघवाल, सरदार खान पठान, नरेश कुमावत, भरत बोराना, पार्टी जोड़ सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ा, भवर मीना तख्तगढ़, ईश्वर सिंह, पदम सिंह, माला राम देवासी, विक्रम सिंह मेड़तिया, माना राम चौधरी, नासिर खान, युवा नेता कैलाश गोयल, लखन मीना, नरेंद्र सिंह पुनिया, चुन्नीलाल लोहार, महिपाल सोलंकी, तेजपाल देवासी, लादूराम नेत्रा, विक्रम मेवाड़ा, शाहरुख खान, नारायण लाल बापू नगर, मोहनलाल माली, हमीरा राम देवासी, काना राम सुथार, दिनेश बिस्तीमल माली, विशाल, राहुल, दिनेश थाना राम आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। जागरूक टीवी की सुमेरपुर से खास रिपोर्ट।